तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर वीआई, और पावर वीआई में हम बात करेंगे डैक्स फंक्शंस की। तो हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी एंड की, और की, इफ की, राइट। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मुझे एक डेटा लेना होगा, तो मैं एक डेटा लेता हूं। और इसी डेटा को मैं यहां से लोड करता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में एंड पढ़ा था, और पढ़ा था, और इफ पढ़ा था, राइट। और साथ में हमने इफ एरर भी पढ़ा था। क्या कल्पेश जी एंड सागर जी? हाँ जी जी ओके पढ़ा था। तो इसमें हम चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्विच फॉर्मूले की, नॉट फॉर्मूले की, और आई एक फॉर्मूला आई एन है इन फॉर्मूले। तो हमने डेटा हमने सबसे पहले बात करते हैं स्विच फॉर्मूले। तो स्विच फॉर्मूला हालांकि एक्सेल है, बट वीवीए प्रोग्रामिंग स्विच फॉर्मूला था, लेकिन ऑफिस 2019 स्विच फॉर्मूला है। तो स्विच फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है? जैसे कि आपको मल्टीपल कंडीशंस है उस केस में, कई सारे कंडीशंस, जैसे कि एग्जांपल आप भी दिखा देते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कस्टमर आईडी है, पूजा है, सीरीज है, पीआईडी है, और पीआईडी के प्रोडक्ट है क्वांटिटी, ट्रायल, टैक्स, सीरीज, राइट। अब मुझे यहाँ जीएसटी क्रिएट करना है, क्या करना है, जीएसटी निकालना है। तो हमारे पास टोटल जो है तकरीबन 7 प्रोडक्ट है, राइट। और हमारा सातों के लिए अलग अलग जीएसटी कैलकुलेशन समझ जाइए। जैसे 1 आएगा तो 5%, 2 आएगा तो 7%, 3 आएगा तो 10%, 4 आएगा तो 12%, ये आपका 15%, 18%, 27%, समझे? ओके। तो चलिए इसी पे हम जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ मॉडलिंग में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं, और यहां पे मैं जीएसटी डाल देता हूं हेडिंग, जीएसटी, और यहां पे हम कंडीशन देते हैं स्विच का, क्योंकि इफ कई सारे इफ लगाने पड़ेंगे ना। तो स्विच कितना, तो हमने बोला पीआईडी, हमने पीआईडी। अब यहां पे बोला है कि वैल्यू क्या हो तो क्या रिजल्ट आए, हमने बोला 1 आए तो क्या हो, तो हमारा टोटल का 5%, तो टोटल 5%। यहां पे जैसे कि मैं बताया था परसेंटेज का सिंबल नहीं चलता है, नहीं चलता ना सर, नहीं चलता है। तो यहाँ पे परसेंटेज के जगह पे ये देना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे जस्ट, अब यहाँ पे इफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रू होगा तो 7%, अब टू कॉमा करना था, माफ कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे बोला अगर 3 हुआ तो कॉमा, इसका 10%, फोर हुआ तो 12%, अगर 5 हुआ तो 15%, 6, हाँ 6 करना था, हाँ 6 हुआ तो 18%, और 7 हुआ तो 27%, 27% हो जाता है, और क्लोज कर देते हैं।
आया कैलकुलेशन सर। अब सोचिए कि अगर आप यहाँ पे इफ लगाते तो हर एक कंडीशन में आपको इफ देना पड़ता है कि इफ डेटा बी इक्वल टू 1 तो यहाँ पे टोटल आए, डेटा बी इक्वल टू 2 तो टोटल आए, तो हर कंडीशन में आप बहुत सारे नेस्टेड इफ देना पड़ जाता है। बट स्विच ने इस काम को आसान कर दिया। तो फिर स्विच समझ में आ गया आप लोगों का? हाँ, वो कॉलम कहाँ पर, एक कैलकुलेटर दिख नहीं रहा मुझे यार, जीएसटी वाला। हाँ ओके समझे। हाँ तो इस तरह से इसका यूज कर पाए जी। अब एक फॉर्मूला नॉट का था, नॉट का फॉर्मूला यूज किया कभी आपने? नॉट का नहीं। अब जैसे कि मुझे जो है यहाँ पे, जैसे कि जितने भी हमारे सेल्स है, डायरेक्ट सेल्स जो हुए उसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब पे मुझे 500 की इंसेंटिव डालना है, समझे? तो मॉडलिंग में अगर न्यू कॉलम में गया तो मुझे यहां पे आईएनसी का फॉर्मूला बनाता हूं और मैं यहां पे कंडीशन रहता कि इफ नॉट, और यहां पे हमारा क्या है डायरेक्ट सेल्स मोड, सेल्स मोड इक्वल टू देन 500 समझे। तो यहां पर नॉट इक्वल टू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कि नॉट यूज करते हैं तो निगेटिव अपोजिट हो जाता है, मतलब कि आगे वाला पर्सन जो भी कैलकुलेशन करेगा उसका अपोजिट। तो यहां पे वो काम कर रहा है अपोजिट का, इसका आप पता है कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन करने हैं अपनी विजुलाइजेशन बढ़ाने के लिए। जैसे मुझे मान लीजिए प्रोडक्ट बाय जीएसटी निकालना है, तो मैं यहां पे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जीएसटी को सेलेक्ट करूंगा, तो आपके सामने देखेंगे कि हमारे पास डिटेल्स आ गई। अब इसको हम टेबल फॉर्म में रखें या इसको हम विजुलाइजेशन टूल्स में डाल दें, समझे जी? तो कैलकुलेशन करेंगे तभी तो यहाँ पे उसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट? क्लियर है? ओके ओके। तो ये हमारा कॉलम था। अब यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको स्विच फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला समझ में आ गया जी? और स्विच और नॉट के बाद अगला फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला है इन का। अब इन फॉर्मूला क्या करता है, नया फॉर्मूला है इसलिए बोल रहे हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, इनका फॉर्मूला चेक करने के लिए होता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट इसमें अवेलेबल है या नहीं, समझे? तो रिटर्न द ट्रू ऑफ स्केलर सोइंग, ओके, ये एरे फॉर्मेट में होता है। चलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें प्रोडक्ट आईडी जो है हमारा, इस प्रोडक्ट आईडी में अगर 3 हो, 4 हो, 7 हो, 7 हो, ये अगर होता है तो इसके जगह पे मुझे एक कमीशन लेना है, अदरवाइज कमीशन नहीं देना है, ठीक है? ओके। तो न्यू कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे हम इसके लिए देते हैं सी ओ एम कमीशन, यहाँ पे देते हैं इफ, इफ में हम देते हैं फॉर्मूला कैलकुलेट। पहले एक काम करते हैं, लगा दे थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्सप्रेशन के साथ करना है, तो कैलकुलेट करना है मान लीजिए डेटा, यहाँ पे आपको आपने डेटा टेबल नेम या जो यहाँ पे आता है ना ये आपको देना होगा, और उसके अंदर आपको देना है फिर कॉलम,
कॉलम में मैं आप देता हूं कि डेटा पीआईडी और यहां पे हमने दिया इन डेटा पीआईडी इन और कर्ली ब्रैकेट में आपने नंबर्स देते हैं कि 1 हो 3 हो 5 हो 5 हो और 7 समझे और कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और यहां पे हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं वो डेटा का डी कैपिटल चाहिए सेंसिटिव तो नहीं है हाँ बोल रहा है कॉलम अच्छा कॉलम डेटा इसमें हम क्या ही डाल देते यहाँ पे जनरली हम डालते हैं वोटर फॉर्म में डाल के देखिए नहीं वो तो टेक्स्ट ले लेगा उसमें वहाँ टेबल ही आना चाहिए था मेरे हिसाब से भी हाँ यहाँ टेबल ही है मैंने इसको कर लगाया है इसको रिजल्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स समझे रिजल्ट आपका आएगा इसमें ट्रू एंड फॉल्स पे ओके दे दिया इसने तो मैच करे या ना करे सब पे कॉलम दे दिया यहाँ पे वही आता है सर मैं इसको एक बार देख लेता हूँ क्योंकि क्यों नहीं मैं कल परसों इसको यूज किया हो सर ये इन क्या करता है कि आपको मतलब अगर वैल्यू वहां पे शो करता है ओ हाँ हाँ समझ गए बेसिकली हो गया ये बेसिकली ये दो इसके ऊपर मैच करता है तो दो टेबल को मैच करता है इट्स लाइक डी लुकअप समझे कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए तो मैं रिलेशनशिप कराऊंगा तो टॉपिक करा दूंगा मैं भूल रहा था इस चीज को तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग करता है ना
बट आज अप्लाई यहाँ पे टेबल नेम जैसे कि ए वन है, दूसरा टेबल नेम होगा, उस टेबल में जाएगा और इसको सर्च करेगा कि इस कॉलम में इतने वैल्यू है नहीं, या फिर दो कॉलम टू कॉलम मैच कर लेते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं क्योंकि इसका रिलेशन इसका एक्सप्रेशन कहता है कि रिटर्न द ट्रू कॉलम वैल्यू शो अप इन द लिस्ट ऑफ वन रो इन द इनपुट रिलेशन. तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ कैसे यूज होगा, इन वाला नहीं होगा यूज? नहीं, जब मल्टीपल सेल्स में होगा, मल्टीपल सीट्स में होगा. जो मल्टीपल शीट होता है ना सर, उस मल्टीपल हम आगे जाके मल्टीपल शीट्स आपको कराएंगे तो वहां पे ये चीज समझाएंगे. ओके, हाँ, तो वहां पे आपको ये चीज समझा दूंगा. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे पी आई डी लिखा, तो अब देख रहे शो नहीं कर रहा है. यहाँ पे टेबल नेम होता है, डेटा हमने किया, डेटा का टेबल तो है बट आपका शो नहीं कर रहा है क्योंकि डेटा जिस पे है उसी पे लगा रहा है, इसलिए शो नहीं कर रहा है. वही मैं यहाँ लगा रहा था तो आप देखा था, तो शो रहा था कि यहाँ सेम सीट से था. इसको हम बाद में कर लेंगे. ठीक है सर. ये जो आपका स्विच का फॉर्मूला है, ये स्विच का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप. ओके ओके. स्विच का फॉर्मूला एक ही कॉलम पर वर्कआउट होता है या फिर मैं अलग अलग कॉलम के रेफरेंस? एक ही कॉलम पे होता है. यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट कर लिया जाता है कि किसके साथ कर, एक ही कॉलम पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस. ओके, ठीक है ना. डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यूज होता है. ठीक है ना, तो इसको इस्तेमाल कीजिए.